नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे पेटीएम के बारे में। पेटीएम का एक बैड अपडेट है जो कि आपको पहले वो चार्जेस नहीं दे रहे थे, आप नहीं देना पड़ रहा था, लेकिन अब आपको देना पड़ेगा। कौन से, उसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो पहली बार देखे तो लाइक कर देना, चैनल को लेना सब्सक्राइब, कुछ कहना है तो कमेंट कर सकते हैं। ब्लॉग वाला चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ भी जाकर के देख सकते हैं, ब्लॉग डालता रहता हूँ। आपको बता दूँ जो पेटीएम है वहाँ पर एक अभी उनका एक अपडेट हुआ है, एक बैड अपडेट आप इसको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको पेटीएम को, पेटीएम पे जो चार्जेस आपको देना है उसको बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फ़ोन पे पे ये अपडेट पहले ही आ चुका है। जब आप रिचार्ज करने जाते हैं तो फ़ोन पे 2 रुपये आपसे चार्ज करता है, अगर आप 100 रुपये के अमाउंट पे रिचार्ज करते हैं। तो आपको बताना चाहूँगा जो ये रिचार्ज का पे जो अमाउंट लग रहा है वो उनकी एक सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं रिचार्ज करने का, उस पर लगा रहे हैं। फ़ोन पे पहले से ही लगा रहा है, अब आपको पेटीएम पर भी वो चार्जेस देखने को मिल जाएगा। एक रिचार्ज कर रहा था उसी का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि जो ये चार्जेस है आपको देना ही पड़ेगा। और वहां पे जो चार्जेस है, मैंने रिचार्ज किया है उस पे 479 का, 479 एक कम नहीं, 80 रुपये का, 479 का, 479 रुपीज़ का, वहाँ पर 2 रुपये चार्जेस देने पड़े हैं। और वहाँ पे 481 यानी 481 रुपये का चार्ज कटा है रिचार्ज करने के बाद। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको वहाँ पर डायरेक्ट रिचार्ज करना है पेटीएम से जा कर के, या फिर डायरेक्ट किसी क्या जो जियो है, वीआई है और एयरटेल, तीन ही अभी कंपनियां हैं, बाकी एमटीएनएल गवर्नमेंट के भी है, बीएसएनएल और एमटीएनएल वगैरह। तो आपको उनकी वेबसाइट पर जाके करेंगे तो वहां पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना है आपको, जितना अमाउंट होगा उतना ही कटेगा। और आपको चाहे उसको क्रेडिट कार्ड से करिए या फिर डेबिट कार्ड से करिए या यूपीआई से करिए, लेकिन फ़ोन पे, पेटीएम और भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो रिचार्ज के लिए आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वहाँ पर जल्द ही मुझे लगता है ये अपडेट आने वाला है कि वो लोग भी चार्ज करने लगे। अभी फ़ोन पे और पेटीएम तो चार्ज कर ही रहा है, तो 2 रुपये चार्जेस आपको लग जाएंगे। ये आपको देखना होगा, हो सकता है अमाउंट वाइज ये अलग अलग चार्जेस हो, या फिर ये 2 रुपये ही चार्ज करेंगे रिचार्ज करने पर। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको जाकर के जो जिस भी कंपनी का आप सिम यूज़ करते हैं, चाहे वीआई हो, जियो हो, एयरटेल हो, या फिर गवर्नमेंट की जो बीएसएनएल और एमटीएनएल है उस पर, तो उनकी वेबसाइट पर जाके करेंगे। कोई चार्जेस आपको नहीं देना। फ़ोन पे, पेटीएम पे रिचार्ज करेंगे तो आपको चार्जेस देना होगा। तो ये एक बैड अपडेट है जो कि आप अभी तक नहीं दे रहे थे चार्जेस, अब आपको देना होगा। डिसाइड आपको करना है कि यहीं से प्लेटफॉर्म से आपको यूज़ करके, पेटीएम से यूज़ करके आपको करना है रिचार्ज, या फिर उनकी वेबसाइट पर जा करके, या फिर ऑफलाइन आप दुकान पर जाकर रिचार्ज करवा सकते हैं, अमाउंट आपको उतना ही देना पड़ेगा। इस वीडियो फ्लैट ना ही, चैनल से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कुछ कमेंट करना है तो कर दीजिए ताकि मुझ तक पहुँचे और लोगों तक भी पहुँचे। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।